रही है शाह यार, सुबह सुबह खाने में ही यार गंदी। ये मस्त चीज है, मैं तेल लाया हूँ। मैं हाथ में क्या होगा बता, ये देख रिमोट, इसका देख रिमोट, ये देख ना, मिचको क्यों दूं मिचको। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होपफुली अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो गाइस आज मेरा मन किया कि भाई व्लॉग छत से स्टार्ट करते, नीचे से नहीं किया, आज मैं छत से किया और आज है बैसाखी। तो आपको बहुत बहुत बधाई बैसाखी की। तो गाइस देखो अभी हल्की सी धूप खिली, ज़्यादा धूप तो नहीं है और मैं भी बस नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और हम आज जा रहे मस्त सी लोकेशन पर, मस्त सी जगह पर। तो गाइस देखते हैं कैसा होता है सीन, आपको दिखाएंगे मस्त सीन, भाई मजा आएगा आज। तो कई दिन बाद राइड पे जा रहे हैं, दीदी और मैं ही जाएंगे, दो ही हम। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद, फिलहाल मैं आपको आसपास का मौसम दिखाता हूँ, फिर जल्दी से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स यू कैन सी यहाँ पर मंदिर में देखो लोग भी हैं और पूजा वूजा भी हो रही है यहाँ पर, और मौसम व्यू कुछ इस टाइप से है। भाई धूप देख लो आप, उतनी डार्क धूप तो है नहीं। तो अभी चलते हैं गाइस नीचे में, फिर देखते हैं क्या होता है सीन। तो गाइस यार चलो जल्दी से नीचे में भाई। सो फ्रेंड्स सर मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे और देखो मैंने सुबह सुबह माता रानी के यहाँ पर जोत जला दिया, धूप जला दिया। अभी मैं पहुंच गया रूम पे, कमरे पे, ये हमारा किचन वाला रूम। तो अभी नाश्ता तो करना है नहीं क्यों, मुझे कुछ एक थोड़ा सा मंदिर में काम है। ओ भाई बता दिया गया, मंदिर नहीं जहाँ मेरा थोड़ा काम है। तो फिर अभी नाश्ता नहीं करेंगे, वैसे ही चलेंगे, टीका करते हैं फिर सीधा निकल। राइट गाइस अभी हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, मैं छोटा सा बैग भी ले जा रहा हूँ क्यों भाई कुछ भी काम आ सकता है। इसमें मैंने वो रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दीदी और काफी एक घंटे से तैयार होने में, लड़कियों का तो पता ही हुआ सीन कैसा होता है। तो ये चार्जर फोन आना। तो फिलहाल गाइस अभी हम निकल चुके हैं जल्दी से। तो ये देखो भाई दीदी पीछे से आ रही काफी आराम से, मैं फटाफट चलता हूँ चढ़ाई में। तो अभी चलते हैं मस्त सीनों का दिखाते हैं आगे, ठीक है। तो जल्दी गाइस यार अभी पहुंच चुके हैं मेन रोड में, आपने पहले देखा होगा यहाँ सीन, पहले देखो ये है ना छत, मैं यहाँ पर पार करता था स्कूटी, लेकिन अब यहाँ नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ बहुत ज्यादा पोपट हो जाता है। तो मैं करता हूँ सामने देखो, वहां पर सीसीटीवी भी है तो कोई दिक्कत होती है नहीं। अभी निकलते राइट पे अपने। फिलहाल गाइस यार मैं मस्त सी लोकेशन पर पहुंचा था, देखो भाई आम के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, रोड देखो हरे भरे पेड़ गाइस कितने मस्त आ रहे हैं यहाँ देखो, और पीछे को देखो यहाँ पूरे आम के पेड़ है। तो अभी निकलते हैं, अब मैं आपको मस्त सीन दिखाता हूँ। तो भाई चलो आगे। तो गाइस यार यहाँ से कोसी लगभग 10 किलोमीटर है, तो मस्त सीन हो रहा है, पीछे को रोड देखो भाई क्या मजा आ रहा है यार। और दीदी लोग, दीदी की कोई फ्रेंड थी तो वो भी आ रही है, तो फिर क्या हो रहा है वो दूसरे गाड़ी में आ रहे हैं और भाई मुझे सिंगल स्कूटी में आना पड़ा, नहीं तो दीदी मेरे साथ आती। वो भाई ये क्या हो रहा है, अबे लकड़े वकड़े कहाँ ले जा रहे हो भाई। तो गाइस देखो भाई कितना मजा आ रहा है यार, वो भाई धूल भाई 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 अब सब मेरे भूखा पड़ेगी यार। तो गाइस फुल हेलमेट नहीं लाने का एक घाट है भाई, क्या करें धूल मुंह में पड़ती है। और आगे को दिखाता हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। तो गाइस वीडियो में आप ये सीन पहली बार देख रहे होगे, ये पांडे खोला, यहीं से जाते हैं आगे को मतलब कोसी की ओर। तो भाई चलो जल्दी से हम निकलते हैं और मैं आपको ट्रक में दिखाता हूँ जो मुझे देख रहे थे, कहाँ गए भाई वो देखो, देखो ट्रक में मैं थोड़ी भगाता हूँ। और गाइस देखना अब मुझे सब मुझे ही देखे रहेंगे, हेलो ब्रदर। तो ये देखो गाइस ट्रक में हमारे कुछ महानुभाव जा रहे हैं, देखो इको देख रखे हैं यहाँ पर। तो कृपया धीरे चलकर प्रकृति का आनंद ले। तो देखो गाइस वो सामने पूरा अल्मोड़ा है गाइस, ये देखो यहीं कहीं बीच में हम भी रहते हैं शायद, यहाँ हम रहते होंगे ऐसा मुझे लगता है, आई थिंक सो। हाँ ऐसे होता है यार, आपको मैं एक चीज बताऊँ, ऐसी रोड ना मैंने लिटरली यार कहीं नहीं देखी, सच में बता रहा हूँ। ऊपर को देखो कितनी मस्ती रोड है यार, ऐसी रोड मतलब भाई जो अपना दिल है ना खुश हो जाता है ऐसी रोड पर आके। ये मैं पहुंचा हूँ गाइस अभी सियाली धार, तो देखो आगे गाइस क्या रोड है यार मस्त, ऊपर व्यू जो है ना यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है यार। तो चलो मिलते हैं कोसी में भैया, यहाँ का व्यू देख के तो मजा आ गया यार। ये देखो मैंने अपना टैग लगा मनीष जोशी ब्लॉग करके। तो गाइस ऊपर तो कितनी मस्त जगह है यार, समतल जगह, बीच में पेड़ और ना यहाँ कोई मतलब गिरने उने का भी डर नहीं है, कितनी मस्त जगह देखो, ऊंची ऐसे ऐसे यहाँ ना पूरी जगह ऐसी गाइस, ये आई हमारी हुई। तो गाइस देखो मैंने मुंह में भाई धूल पड़ गई सब, तभी मैं ट्रक के पीछे नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस यार क्या भाई जन्नत सी व्यू में रुका हूँ मैं, देखो पीछे कितना मस्त लग रहा है। तो अभी चलते जल्दी कोसी, अब डायरेक्ट मिलेंगे आपको सीधा कोसी में। गाइस हम पहुंच चुके हैं, मैं मतलब हम नहीं यार अभी मैं पहुंचा कोसी, दीदी लोग पीछे से आ रहे हैं। तो भाई हम पहुंच के बड़ी मस्त सी जगह, पीछे आपको दिख रही होगी हम आपको दिखा सी भाई, ये देखो शिव जी की मूर्ति यहाँ पर बड़ी सी, और ये कितना प्यारा मंदिर, और नीचे नदी भी है लेकिन नदी रुकी हुई है, मैं सोचा था नहाऊंगा लेकिन ऐसा कोई सीन है नहीं, रुकी हुई नदी है। तो गाइस अभी मैं शायद ज्यादा आ गया, तो
अंदर जाने का रास्ता वहां से पीछे से, और मैं ज्यादा नीचे आ गया तो घूम के चलते हैं वहीं दोबारा। गाइस यार अभी मैं पहुंचा बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं, राइट लोकेशन पे, सही दिशा से मैं पहुंच गया। तो अभी चलते हैं अंदर, तो आए हैं नहीं पता नहीं कब आते हैं, मैं थोड़ा लॉगिन कर लेता हूं, फिर मिलते हैं। अब आपको गेट का सीन आपको दिखाते हैं, चलो पहले देखो ये है मंदिर का हेड और यहाँ पर गणेश जी और भोलेनाथ की फोटो लगाई है। तो अभी हम चलते हैं गाइस अंदर को, देखते हैं भाई जूते ले जाने की कहाँ खोलने। तो चलो यार अभी तो चलते हैं, सीन जहाँ भी होगा खोलने का। और ये देखो गाइस यहाँ पर शायद स्टे होटल है रहने वाला, बड़ा मस्त है। और पेड़ की कटिंग देखो बड़ी मस्त लग रही है। तो अभी चलते हैं हम सीधा अंदर की ओर, देखते हैं जूते है, जूते कहाँ उतारने, नीचे ही है। तो गाइस चलो नीचे को, जूते मैंने यहाँ उतार लिए, अब चलते हैं अंदर की ओर। की देखो गाइस मंदिर का जो डिज़ाइन किया गया ना बहुत प्यारा है, बजाओ घंटी। फ्रंट साइड से जाते हैं पहले, तो चलो भाई चलते हैं इधर से, चलते हैं यार बहुत मस्त सीन हो रहा है। चलो गाइस ये देखो नीचे नदी, अब यार रुकी सी नदी है, अगर चलने वाली होती ना साफ से तो नहाया जाता है, साफ तो लग ही नहीं रही गाइस यार, बहुत सी गंदी नदी है। देखो इसमें कई गंदी गंदी चीज़ें फेंकी है और गंदी लग रही है। और भाई अब चलो यहाँ का दर्शन कराते हैं गाइस आपको, ये देखो कितना मस्त जगह है और काफ़ी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और गाइस यहाँ है सीन देखो अंदर का, और यहाँ पर हवन कुंड, और ये है हमारे भोलेनाथ की मूर्ति देखो गाइस। और पहले ना मैंने वहाँ से शूट किया था, मैं वहाँ पहुँच गया था, फिर मैं यहाँ से बैक आके इधर आया। तो यार मस्त व्यू आ रही है, कड़ी मस्त वाइब आ रही है। ऐसे लिटरली मेरा प्लान था कि यार नहाने का, तो अब नहाना तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर पानी गंदा है, और मेरा कुछ करवाना है तो मैं ही करवा लूँगा आज। और पीछे देखो गाइस यहाँ एक एक करके कितने मस्त, मतलब पता नहीं भगवानों के मूर्ति है, और एक मंदिर छोटे छोटे मंदिर से बना रखे हैं, और नीचे में यहाँ पर टाइल्स डाल रखे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ का सीन तो दिखा दिया, कैसा है मंदिर, कहाँ है, बहुत मस्त सा मंदिर है। और अब चलते हैं हम नीचे जहाँ है हमारा नदी के साइड, तो चलो भाई नदी के साइड चलते हैं। तो भाई यहाँ फूल वूल, और यहाँ भी है गाइस शिवलिंग, मेन शिवलिंग तो यहाँ है यार, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तो ये देखो गाइस सामने नदी के सामने आ गया मैं, और यहाँ से व्यू बहुत मस्त आ रहा है। जरा आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद ये पहले से होगा, और इसके आसपास से फिर टाइल्स लगाए गए हैं, पहले से यहाँ पर होगा और उसके बाद बनाए गए। ये देखो गाइस शिवलिंग, और यहीं पर से फिर सीधा ये नदी में यार गंदगी कर रखी है लोगों ने, इसे पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, देखो कितनी गंदगी फैला दी है यार, सफाई करनी चाहिए इधर, अगर हमारा यहीं होने का होता तो करते। देखो अब नदी रुकी हुई नहीं, रुकी हुई पानी में गंदगी हो सकती है। गाइस आप पीछे यहाँ पर बोर्ड देख रहे होंगे, आपको मैं बता देता हूँ अभी मैं जा रहा हूँ रोड में फिर से, क्योंकि दीदी लोग जब आएंगे तभी आएंगे फिर साथ में। तो ये है भड़केश्वर महादेव मंदिर। तो गाइस आपको पता होगा महादेव के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे, उसमें ये भी है भड़केश्वर महादेव मंदिर कोसी अल्मोड़ा। तो आओ आप कभी, बहुत मस्त सी जगह है यार, इतना प्यारा व्यू है, जरूर आना। तो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। हाई गाइस अप्रोक्स भाई हाफ आवर पूरा वेट किया मैंने, उसके बाद दीदी लोग पहुंचे, इतने लेट आ रहे हैं यार। देखो अभी दुकान में जा रखे हैं पीछे, अभी फिर चलते हैं मंदिर की ओर। मैंने आपको पहले भी दिखाया यहाँ का गुंबद, देखो कितना बड़ा है, देखो भाई इतना हैवी, फोन पर मतलब कैमरे में उतना नहीं लगा लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा गुंबद है ये देखो भाई। तो गाइस यार अभी हम यहीं पर ऐसी मंदिर पर डोल रहे थे, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, घूम रहे थे। तो हमें एक मेरा भाई सब्सक्राइब किया था ना, तो भाई ये मेरा सब्सक्राइबर मिला, इसका नाम है क्या, आरिध्य जोशी ना। तो भाई ये यहीं रहता है गाँव में, कहाँ के भाई, यहीं क्यों ना, क्या गांव का नाम क्या हुआ, रैलाकोट गांव का एक भाई है। तो ये बता रहे थे कि यार पहले से कहीं से मिल गया होगा चैनल, तो भाई आज यहाँ भाई मिल गए, चलो अच्छा हो गया। तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद यहाँ का टूर करने के बाद फिर निकलते हैं जल्दी से रूम की ओर, फिर अपना काम भी करना है, तो भाई चलते हैं जल्दी से घर। तो भाई ये देखो पकौड़े बन रहे बड़े मस्त, और ये मिठाइयाँ, और ये पूरी कोसी की मार्केट, जरा आगे तक थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं गाइस आपको। तो ये देखो भाई ये शानदार
ज्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है, छोटी भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक सही है। देखो गाइस ये है कोसी। तो गाइस यार अब चलते हैं सीधा, अब आपको सीधा अल्मोड़ा में मिलेंगे। क्या पता अगर बीच में रुक गए तो ठीक है, नहीं तो भाई सीधा वहीं मिलेंगे। तो चलो सीधा अल्मोड़ा। राइट गाइस अभी हम त्रिपलिंग में आ रहे हैं भाई, पुलिस वाले ना मिले, वो देखो पीछे तीन है हम। तो अभी मस्त चीज लोकेशन पर रुके हैं, अब यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट करते, इतनी प्यारी जगह है। वो देखो पीछे वो वहाँ है, वो उधर पागलों की तरह। और पीछे देखो गाइस क्या जगह है, पीछे कई लोग जो दूर से आ रहे हैं वो फोटो खींच रहे हैं। वो भाई गिर ना जाऊँ, कितनी मस्त जगह है यार। गाइस यार अभी हम पहुँच चुके हैं, घर आने का सीन बिल्कुल नहीं दिखाया क्योंकि त्रिपलिंग में थे, मैंने पहले बोला तीन थे तो नहीं दिखा पाया। तो गाइस अब मैं शौक आपको न्यूज़ देता हूँ, सडनली यहाँ बारिश आने लग गई। भाई ये क्या हो गया, मैं हैंग हूँ। यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं भाई सडनली क्या बारिश आ गई और यहाँ ठंडा भी हो रहा है गाइस। अप्रैल के माह में ठंडा और अप्रैल के मंथ में यार भाई ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ पूरा गीला हो चुका है, तो अभी चलते हैं भाई अंदर, ठंडा हो रहा है। तो हाय गाइस अभी टाइम बच चुका है 5 और वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत सो गया था 2 बजे, और 2-3 घंटे सो गए भाई, बहुत अच्छी नींद आई। तो अभी खा रहा हूँ मैं पराठे अचार के साथ, तो फिर खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना काम करूंगा मैं। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर। अभी टाइम 6:30 हो रहा है और देखो भाई अभी भी धूप है यार यहाँ को, और मौसम इतना गंदा हो रहा है। दिन में थोड़ी बारिश भी आई थी, और गाइस जो अभी लाइट आ रही है ना भाई, इतनी प्यारी लाइट आ रही है, देखो मेरे चेहरे पे कैसी पड़ रही है। तो मैं आपको सीन दिखाता हूँ। गाइस अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर बाद, और यहाँ को देखो आप, यहाँ ये कसार देवी साइड को ना शायद बारिश हो रही है, कितना काले बादल जा रखे हैं भाई, उधर यहाँ ना आ जाए, और ठंडा भी हो रहा है, तभी मैंने जैकेट भी डाल ली। और ये देखो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, तो अभी चलते हैं। ऑलराइट गाइस ये वीडियो यार लेंथी हो चुकी है, तो इसको यहीं पर करते हैं एंड। होप कि आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वो लाल वाला जो घंटी का बटन है उस पर प्रेस करो, और लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय।